नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में चिकित्सा व शिक्षण संस्थानों की निर्धारित परिधि में तंबाकू व धूम्रपान बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर संचालन समितियों का गठन किया जाएगा, जो कि नशे की गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा व शिक्षण संस्थानों की निर्धारित परिधि में तंबाकू व धूम्रपान बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि राज्य को पूर्णतः तंबाकू नशा मुक्त बनाया जा सके। यह जानकारी यहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित ग्लोबल वैश्विक तंबाकू सर्वे 2 फैक्ट शीट के अनावरण अवसर पर दी गई, जिसमें हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मुख्य अतिथि थे। अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चिकित्सा व शिक्षण संस्थानों की निर्धारित परिधि में तंबाकू व धूम्रपान बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को तंबाकू व धूम्रपान के नशे से दूर करने के लिए शिक्षा तथा कानून दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान तथा तंबाकू का सेवन करने वालों पर जुर्माना तथा सजा का प्रावधान है, इसलिए परिवहन विभाग की बसों के चालक परिचालकों को भी चाहिए कि वे अपनी बसों में तंबाकू, बीड़ी व सिगरेट का सेवन न करने दें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बीड़ी, सिगरेट तथा तंबाकू बेचना व खरीदना गैर कानूनी है, इसलिए विभाग को सुनिश्चित करना होगा कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ऐसी फैक्ट्रियों में काम न करें। उन्होंने गांवों में बच्चों सहित लोगों को तंबाकू, धूम्रपान जैसी नशे से दूर रखने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए तथा तंबाकू फ्री होने वाले गाँवों को पुरस्कृत करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हुक्के का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है, जो कि बीड़ी, सिगरेट से भी ज़्यादा हानिकारक होता है।